हरियाणा में चुनावी सरगर्मी आज तेज दिखाई दी। 4 अक्टूबर नामांकन का आज आखिरी दिन रहा और सभी प्रत्याशी अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। इसी कड़ी में आज सोहाना से जेजेपी प्रत्याशी रोहताश खटाना ने भी अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। नामांकन के आखिरी दिन जहां प्रदेश में तमाम नेताओं ने अपने नामांकन के दौरान जमकर शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं जेजेपी के सोना से प्रत्याशी रोहताश खटाना ने भी पर्चा भरने के मौके पर अपना दमखम दिखाया। इस मौके पर हजारों की संख्या में जेजेपी समर्थक अपने नेता के रोड शो में पहुंचे। रोहताश खटाना ने सोना उपमंडल अधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। एक तरफा माहौल होना यह क्योंकि मैं पंचायती कैंडिडेट हूँ, हमारे साथ क्षेत्र के साथ जो अनदेखी जो दोनों पार्टी राष्ट्रीय पार्टी ने करी है ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए लोगों में जोश इतना आया कि पंचायत हुई और पंचायत ने मुझे जो नॉमिनेट करने कर दिया, मुझे पंचायत की बात माननी पड़ी। और सबसे बड़ी पार्टी की टिकट होगी मेरे पे। दूसरी बात ये, चाहे वो पार्टी है चाहे वो नेता है, समाज है, जनता साथ है तो नेता है, जनता साथ है तो पार्टी है, वरना तो दोनों खत्म हो जाएंगे। और वो मुझे मिल गए, दोनों चीज मिल गई मुझे। रोहताश खटाना के नामांकन पत्र दाखिल करने के मौके पर उनके समर्थक हजारों गाड़ियां लेकर उनके घर पहुंचे। आपको बता दें कि रोहताश खटाना को गुर्जर समाज की महापंचायत के बाद ही प्रत्याशी बनाया गया है। खबर अभी तक के लिए सोहना से सूरज धुवन की रिपोर्ट।